ठीक है जनाब, तुम ऑफिस छोड़ दो, बस मैं आके साइन कर दसा। नहीं नहीं मैं कार नहीं हूं जी। ओके बाय। सेल फोन का कल्चर भी अजीब है, जितना जरूरी है उतना ही गैर जरूरी। इस गैर जरूरी का भी जवाब नहीं, बाकी कभी कभी तो जरूरत ही बन जाता है। इंसान में कोई प्राइवेसी नहीं रहनी। जिस दिन भी फोन आता पहला सवाल वो ही करता है, जनाब के पे कर दो। दिल करता कैसा जवाब दो कि जनाब सवाल फोन का इंतजार पे करना है कि एक पिटी मुके तो मैं कुछ काम भी तक करा। फोन तो खत्म हो गया, हम कम की गल हो जाए। जी जी वेलकम। मैं कैनेडा सी जिस अधूरे प्रोजेक्ट दी तकमील वास्ते आई हां, सोने उसके बारे पूछे नहीं, मैं इंतजार भी करनी हां, तुसी कदों पूछो? इंतजार का खैर मनु भी है कि तुसी किस दिन डिस्कस कर सो ताकि हम तुसी मिलके अपने दूसरे प्रोजेक्ट का आगाज करें। दूसरा प्रोजेक्ट? जी वो मेरे नजर ने डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट ते नए फैक्ट्री का केस भी थोड़े ऑफिस भिजवाया। शॉर्ट नजर से नहीं गुजरा? वो मैंने रोक दिता है। एक मिनट, काम तो नाल नाल होंदे रहे सन। सानू याद है सोने नियाग्रा फॉल के करीब एक कॉटेज की रिजर्वेशन की गल की थी? नियाग्रा फॉल? ओह यस 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 यस, ये सोने ओल्ड टाउन दे कासाब्लांका का जिक्र किया। सिर्फ जिक्र नहीं किया आया, मैंने यकम मई से एक हफ्ते वास्ते भी रिजर्वेशन भी करा लेती है। यकम मई यानी हाई सीजन का पहला दिन ते पहला हफ्ता? यस, इससे पहले हाउस फुल। वाओ, मगर तुसी वापस ना आदे ना, मैं सानु ज्वाइन कर छोड़ा थी आके। मेरा ख्याल है अगर तुसी मनु इत्थे ज्वाइन कर लो ता बस कठे चले जाइए। Any problem? No. But I mean, मेरा ख्याल है कि बास आइडल पार करने से थोड़ा वक्त कम आना। यास कोई गल नहीं जी, टेक योर टाइम, बस करने इंतजार तो अपना ही मजा होता है ना? वेरी इंटरेस्टिंग। के मतलब फारसी है ताजा तजुर्बा भी कर दियो। इस दा बा मुहावरा तर्जमा ए वे के स्वाडी गल गलत नहीं हो सकती। वाओ, वाकई फारसी मिठी जुबान है। पापा तुमने कल मेरे नाल स्कूल जाना है, पेरेंट्स डे है, मम्मा भी जैसे तो बाजी भी जैसे। पुत्र तू मानो ते भजन ले जा, की ख्याली? नहीं पापा तुसी भी जासो, तोड़े बेटे नू कल पहली पोजीशन हासिल करने ते कप मिल सी, तुसी खुश नहीं हो? पुत्र बहुत खुश, ते सारे खुशी नाजी पुत्र दिए, उसी ने तेरे नाल मेहनत की थी ना? बाजी दी मेहनत ते तोड़ी दुआवा। मम्मा पुत्र तू खानर बड़ा नहीं हो गया? हाँ बता। फरीद अगर लला वापस नहीं जाना चाहती तो ओके, सानू पता जल्दी जाना है ना। कमान गोमी ए थे के कर सी, ए तो चली रैसी के थे। कोई गल नहीं पापा, मैं किसी वोमेन हॉस्टल इज कमरा ले लेसा, इट्स नॉट अ बिग डील पापा। दिस इज नॉट फ्रैंकफर्ट माय डियर। देख तू अपना प्रोजेक्ट इतने शिफ्ट होने दे, बाद शुरू कर सकनी। हाँ लला पापा ठीक पे कहते नहीं। नो मामा इन्हें दोनों शाम ही फारे गए, उस मेरे ना हेल्प करने का वादा किता पापा, बाद शायद वो भी बिजी हो जावे। देख लला समझने की कोशिश कर, तू साढ़े बगैर इतने पिछोर कितने रह से। I'm sorry. और फोन ही बनाया मैंने, कुछ देर हो गई, लेकिन नाउ आई एम रेडी। लेकिन गल के ओ भैया स्पाइजन सने एक दो दिन तक वापस जाना वे, ते वापसी दे शायद दो एक हफ्ते लग जावन। हां तवत एक्चुअली लाला वापस नहीं जाना चाहती, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले बिजी है,
ते शान भी इसकी मदद पे कर दे। हाँ तो वो तो इस तुच्छ परेशानी वाली कड़ी गल है यार। ग्राही जानी चाहिए ते शहर च शहर च ये किथे रहसी है ना? यस ये इथे रहसी अपने कार च। इस दा अपना कार है ते भावे तू उथे ही रह जा। लेकिन इलाज भाई जान बस बस इतना काफी। भाभी अगर तुसी इसी बात कुछ कह सो ना तो ओ पराए लोग कह दे बस ए डन है बल्कि ए मेरा हुक्म है। ओके प्लीज लेट्स मूव ओके पार्टी अच्छा निकल जैसी प्लीज चल जल्दी चलो। ओके पापा सारे बच्चे आंटी दो मिनट में करा रहे हैं। ओके ओके अंकल सॉरी मैं मामा आजी ने सोनू ज्यादा ही मसरूफ कर देता है। जी नहीं मैं तो तेरी मसरूफ देख के तंग आ गया हूँ। मनु लगता है कि यूनिवर्सिटी सी फारिग होने से बाद तेरे को टाइम टाइम हो सी लेकिन ये अखबार दो दो शिफ्ट करने से बाद मनु लगता है कि तनु तीसरी शिफ्ट की भी जरूरत है। तो अगर तू चाहे तो मैं तेरे सर अमान नाल घर कर लो। तेरी लेजे ये शौकी मामा अच्छी लगी। शुक्र है कुछ तो तेनों भी अच्छा लगा है वरना मैं तो समझा कि मोना की शादी सी बात तेनों अपने ऑफिस में मुस्तकिल ठिकाना बना देता है। जी नहीं जनाब दफ्तर तो मैं वक्त पे जानी है तो वक्त पे वापस आ जानी है। जी नहीं कल फैसल तुम्हारे कार गया है ते अंकल एंटी ने भी यही गिला है कि तेरे को टाइम ही नहीं ना। ठीक है ना जी आज सोने बुलाया तो मैं आ गई है ना। शुक्रिया जनाब ना जी मामा का ख्याल है कि मैं फर्दर स्टडी से बाहर जाना चाहिए ते वो काफी सीरियस है इस मामले च। जी जी हाँ लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मोना भी रुखसती सी बाद मैं बहुत अकेली अकेली हो गई हूँ तो अगर मैं भी चला जाऊँ तो वक्त मोना अपने घर खुश रहसी तो आंटी वैसे खुशी की गल है तो सोने बाहर जाने में भी तो उन्हें भी खुशी है ना। लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहना वा ना ते तू मेरी मदद कर सकनी है। मैं तो कर सकनी है ना जी अगर तू कहे तो मैं मामा नु थोड़े घर भेजा। मैंने कुछ पूछा है तुम्हें मेरी जिम्मेदारियां का तो पता है ना उम्र इजला बढ़ता पिया ते मम्मी पापा दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं एक गल कई बार सुन चुका वा बस मैं कुछ नहीं पता तू सोच ले तो मैं दो दिन बाद तेन फोन कर सा ते अगर तेरा जवाब हाँ हो तो नो कर दें। क्या मतलब? जनाब मोबाइल च एक बटन नो का भी होंगे बस उन्हें प्रेस कर देंगे मैं तेरी हाँ मिल जैसी। ओके जी मैं सोच के ते जवाब दे सा। ठीक है जनाब मैं इंतजार कर सा। जिथे भूख लगी बस चलते फिर कुछ खा लिता फास्ट फूड का रवाज भी उतो शुरू हो दोपहर का खाना तो मैं खाले साल साल ही नहीं खाते। अजीब लोग जरूर भी जाप नो लोग जाप समझते हैं ते थे दुकानदार खाने टाइम ते खाने का वफा करने वास्ते दुकान के कपड़ा लटका के ते गपशप लगा के ते बाजे विचकार किरुले भी कर लेंगे ये जी साड़ी लगा मैंने वो भी इशा है भी बस दो वाले ते बस बिल्कुल ही कर ले। अयास मनु लगता है जिक्रो शान ते लैला बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए। अच्छा तो की ख्याली फरीद ना गल करा या इंतजार करिए? इंतजार इंतजार कीजिए क्यों एक दूसरे को जरा समझ भी लगो ना नाले तू शानल भी गल कर ले ते मां
ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਉ ਤੂੰ ਮੋਨਾ ਵੱਲ ਬਤਨੀ ਗਈ ਮੋਨਾ ਕੱਲ ਆਸੀ ਚਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਧੀਰ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਤੇ ਘਰ ਪਿਆਣਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਵੈਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਅਗਰ ਬੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਹਵੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਹਵਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਦਿਓ ਵਰਨਾ ਛੋੜਨੇ ਚ ਜ਼ਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਕਾਹਵਾ ਲੈ ਕੇ मेरा ख्याल है हुण साडे प्रोजेक्ट दा एक अच्छा आगाज हो गया हुण तुसी अपनी रूटीन बदल लो की मतलब आवाज अच्छा हो गया बाकी दे सफर रस्ते ते एक्साइटमेंट बढ़ जांदी है हो तो ठीक है लेकिन मम्मा दी ख्वाहिश है कि कम से कम असी डिनर तो उन्हां दे नाल उन्हां ने कार करिए ना आई एम सॉरी शान कल दा खाना बहुत हार्ड हुंदा है आई मीन मनु तेज मसाले पसंद नहीं है उस दा हल कढ़ा जा सकदा है लेकिन इस बर्गर वसे इतना मुंह खोल खोल के ना वल्ला मेरे ते जबड़े दर्द करने लग गए ना वो तो मैं अपने एक दोस्त का वाक्य सुनाया है जिसने डेंटल सर्जन ने क्या आया सारे दंत ठीक है तो सारे में सूरे बदलने वैसा दैट्स रियली ट्रू तो बचाना नहीं हो रहा